जी कौन गाय है? कामधेनु। कामधेनु गाय है? कामधेनु। कितना दाम लग गया इसका अभी तक? इसका 30 लाख रुपया तक हमको मिला था। हम बोले भाई इसको बेचना ही नहीं, करोड़ों देंगे तब नहीं बिकेगा। नहीं अब तो नहीं देंगे। अरे मेरी गाय, वाह, बिना बच्चा दिए 15 लीटर दूध देती है। बिना बच्चा दिए अपने आप दूध देने लगे। गाड़ी ले लीजिए हमारी और इसको छोड़ दीजिए, गाय हमें दे दीजिए। नहीं, गाड़ी या गाय में बहुत अंतर है। नहीं दीजिएगा, अपने आप दूध गिराती थी, अपने आप दूध गिरता था बिना गाड़ी। बच्चा धारण नहीं करे। अच्छा, इसके अंदर गर्भाशय नहीं है? गर्भाशय नहीं। तो कहाँ से आई हो, कहाँ से आई हो? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, देखो नहीं। कितना लीटर दूध देती है ये दूध? मैंने 12 लीटर 14 लीटर 15 लीटर मैंने जितना काम हो उतना ही। सीकड़ पहनाई गई है और इधर चैन पहनाया गया है, इधर घुंघरू पहनाया गया है। अभी हमारे साथ जो गाय है मित्रों, इसकी कीमत जो है करोड़ों में है। यानी इसकी आज तक किसी ने कीमत ही नहीं आकी है, बस हम लोग मुंह बनाकर बोल रहे हैं कि इस गाय की कीमत करोड़ों में है। और इसे कामधेनु गाय कहा जाता है और इस गाय के मालिक कोई और नहीं, हमारे साथ एक चाचा है। और ये कामधेनु गाय बिना जो है बच्चा दिए जो है 15 लीटर दूध जो है देती है मित्रों। कुछ अलग सी दिखने वाली ये गाय, अद्भुत है और दूर दूर से लोग इसे देखने आ रहे हैं क्योंकि इसकी चर्चा जो है बड़े जोर शोर से हो रही है। ये गाय जो बंधी है अभी ये बिहार के सिवान जिले में है। चाचा क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन पांडे। अर्जुन पांडे जी कौन गाय है? कामधेनु। कामधेनु गाय है? कामधेनु गाय। कामधेनु की जो जाति की गाय होती है, प्रजातियां जो होती हैं, वो जल्दी मिलती नहीं है। ये आप कहाँ से लेकर आए इसे? ये घर की बाछी है। अच्छा, मतलब पहले से ही जो है गाय ने बच्चा दिया हुआ था? हाँ, आपने पाल लिया? हाँ, ये घर का बच्चा है। इसकी कीमत कितनी है लगभग? इसकी कीमत हमको बेचना ही नहीं है। अच्छा, कितने की, कितना दाम लग गया इसका अभी तक? इसका 30 लाख रुपया तक हमको मिला था। हम बोले भाई इसको बेचना ही नहीं है। 30 लाख रुपए इस गाय का दाम लग गया, फिर भी नहीं बेचा? नहीं नहीं, हमको बेचेंगे नहीं। नहीं, हम इसको 50 लाख रुपए देंगे। नहीं बेचेंगे। पक्का? पक्का। पक्का नहीं बेचेंगे? पक्का नहीं बेचेंगे। अच्छा, गाड़ी ले लीजिए हमारी और इसको छोड़ दीजिए, गाय हमें दे दीजिए। नहीं, गाड़ी या गाय में बहुत अंतर है। नहीं दीजिएगा। नहीं। कितना लीटर दूध देती है ये दूध? मैंने 12 लीटर 14 लीटर 15 लीटर मैंने जितना काम हो उतना ही कर लीजिए। 14-15 लीटर आसानी से। इस गाय को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ कामधेनु का नाम सुना था। कामधेनु का मतलब होता है सभी कामनाओं को पूरा करने वाली, और शायद से ये सभी कामना को पूरा भी करेगी ये गाय। मैंने देखा नहीं था, सुना था, और जब मैंने इसके बारे में मुझे पता चला तो मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर कामधेनु गाय होती कैसे है। मैं देखने चला आया, बड़ी सीधी गाय है और बड़ा जो है सुसज्जित करके, बड़ी शोभा के साथ सिंगार उंगार करके, जेवर गहना पहना कर जो है इस गाय को पांडे जी रखते हैं। हाँ जी, क्या क्या पहनाए हैं? सब कुछ है इसके। क्या क्या बताइए? रुद्राक्ष है, पैर में है, माथे पे है। यहाँ पर जो है सीकड़ पहनाई गई है और इधर चैन पहनाया गया है, इधर घुंघरू पहनाया गया है, इधर रुद्राक्ष की माला पहनाई गई है और इधर जो है पैर में कड़ा पहनाया गया है। तो इसका जो है पूरा तरीके से सिंगार करके जो है पांडे जी रख रहे हैं। जजमानी वजमानी में तो नहीं मिला था? नहीं नहीं, जजमानी वजमानी वाले पांडे जी हम लोग नहीं है। अच्छा, जजमानी में नहीं मिला था ना? जजमानी में घर की ही बात है। घर की बात है। और अभी कितना लीटर दूध देती है? अभी बोले नहीं, 12 लीटर से 15 लीटर के बीच में। एक 12 से 15 लीटर दोनों टाइम, एक टाइम दोनों टाइम मिला के। अच्छा, जो है ये बताइए चाचा कि लोग लेने खरीदने के लिए आ रहे हैं कि नहीं? बहुत, प्रतिदिन 2 आमदी 4 आमदी 5 आमदी ऐसे जुटते रहते हैं। हाँ, 2-4-5 आदमी रोज आते हैं। मैक्सिमम बोली इसकी 30 लाख रुपए लगते हैं। कितनी बार बच्चा दे चुकी है ये? ये बच्चा नहीं देगी, अनादी है। सच में? सच में। बिना बच्चा दिए 15 लीटर दूध देती है? बिना बच्चा दिए। गाभिन होकर भाई नहीं की तो बच्चा कहाँ से देगी? मतलब प्रेग्नेंट नहीं हुई? नहीं हुई है। तो जो है कभी इसको डॉक्टर को दिखाए? हाँ, डॉक्टर से भी दिखाए हैं। और सांड प्रतिदिन इसके साथ में 3 घंटा 4 घंटा रहता है। हाँ, फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हुई? नहीं। इसके साथ जो नर बैल है, बैल जिसको हम सांड बोलते हैं, वो 2-3-4 घंटा रोज रहता है। प्रतिदिन। फिर भी ये बच्चा आज तक नहीं दी? नहीं दी। इन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया? हाँ, डॉक्टर से भी दिखाया। और इसके बाद? इसके बाद अपने आप ये दूध देने लगी। कैसे पता चला कि ये गाय दूध देने लगी? अपने आप दूध गिराती थी। अपने आप दूध गिरता था? बिना गाड़ी? बिना गाड़ी, बिना इसका छाती और थन पकड़े? पकड़े हुए अपने आप दूध गिरता है। बिना पकड़े? बिना पकड़े। कब देती है ये? मैंने पहले देती थी, अभी भी सुबह हमें धो के बांध देते हैं, दूहेंगे नहीं तो अपने आप दूध गिरना शुरू हो जाएगा। कामधेनु की गाय की अगर व्याख्या हम करें तो उसे गायों की माता कहा जाता है। यानी गायों में सर्वश्रेष्ठ गाय होती है कामधेनु। समुद्र मंथन के दौरान इस कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई और तभी से इसकी पूजा होने
होने लगी। और इसको लोग पूजा के लिए भी घर में रखते हैं, छोटी छोटी जो गाय होती है पत्थर की, उसे पूजा करके ईशान कोण में रखा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह गाय दुर्लभ प्रजाति की गाय है, बहुत कम देखने को मिलती है, स्वर्ग की गाय है मित्रों। देवी देवताओं के अनुसार और ग्रंथ और शास्त्रों के अनुसार, हिंदू मानवताओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार यह स्वर्ग की देवी है, स्वर्ग की गाय इसे कहा जाता है। और देवी देवता लोग इसे स्वर्ग में पालते पोसते थे। लेकिन कलयुग में गाय कामधेनु की उपमा सुनते सुनते हमें यह गाय जो है जो सीवान जिले के गौरिया कोठी में मिल गई है। गौरिया कोठी हुला छपरा गांव। अच्छा, इसके अंदर सीमन डलवाएंगे कि नहीं डलवाएंगे? नहीं नहीं, सीमन पर वही नहीं करेगा, डॉक्टर बोला है ये बच्चा धारण नहीं करेगी। अच्छा, इसके अंदर गर्भाशय नहीं है? गर्भाशय नहीं, तो सीमन इसके अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और ना ये जो है गर्भ धारण करेगी, बैल से भी नहीं करेगी? नहीं नहीं नहीं, पक्का पक्का। और बिना बच्चा दिए 15 लीटर दूध देती है? कितना लीटर? हाँ मैंने 12 से 15 लीटर का अंदर देती है। अच्छा, ये कितने साल की गाय हो गई? 3 साल की। 3 साल की? 3 साल की, बस 3 साल? 3 साल। अच्छा, और नॉर्मल गाय कितने साल में दूध देने लग जाती है? वो भी जो है सो 3 साल में देना शुरू कर देती है। 3 साल? हाँ 3 साल, 3.5 साल, 4 साल। इस गाय की कीमत लगभग 30 लाख रुपए लग चुकी है, फिर भी पांडे जी बेचना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये गाय हमारी माता है। और ये गाय सर्वगुण संपन्न गाय है, सभी कामनाओं को पूरा करने वाली गाय है। चाचा इधर आइए, इधर इधर। ये बताइए कौन सी गाय है? कामधेनु। कितना दाम लग गया इसका अभी तक? 30 लाख। 30 लाख में भी नहीं बेचेंगे? नहीं, पक्का पक्का। हम 50 लाख देंगे, बोलिए दे दे हमको। करोड़ों देंगे तब भी नहीं बिकेगा। काहे? पोसने के लिए रखा है। पोसने के लिए है। अच्छा, इसकी माता जी को कहाँ से लाए थे आप? इसकी माता जी को बगल वाले गांव से लाए थे, वहीं फिर हम भी बिक्री कर दिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जब ये गैया बच्चा ही नहीं देगी तो इसका वंश कैसे चलेगा आगे? अब नहीं चलेगा, हमको दूध से काम है, दूध तो देगी ना। लेकिन और गाय की उत्पत्ति होनी चाहिए, तभी कामधेनु गायों की प्रजाति बनी रहेगी। नहीं, अब तो नहीं देगी। अरे मेरी गाय, वाह वाह वाह, देखिए ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा। वाह 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 वाह, ऐसा गाय कहते हैं ना, गऊ जैसा स्वरूप है, और सच में गऊ जैसा इसका स्वरूप है। अरे 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 अरे, तुमको हम ले चलेंगे अयोध्या। अयोध्या भेजिएगा। हाँ, जाएगी अयोध्या 24 में। क्या गाय हमारी? अरे 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 अरे, अरे गाय हमारी माता। ज्यादा कहते हैं ना, ज्यादा मुंह किसी का चाटने लग जाइएगा तो उसके वो देखिए ये। वाह वाह वाह, चलिएगा अयोध्या, अयोध्या चलिएगा। हाँ चलिएगा अयोध्या। हाँ, लेकिन तुम्हारे मालिक जी हम आपको देंगे ही नहीं हमको है। अरे 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 अरे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए सच में हमारे आस्था धर्म और विश्वास की प्रतीक एक काम दे। अरे नहीं जाए, नहीं और बात करें तुमसे। अच्छा बोलो 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 बोलो, कहाँ से आई हो तुम हैं? कहाँ से आई हो, कहाँ से आई हो? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, देखो बोल भी दी है। किसी के वीडियो में नहीं बोली होंगी? नहीं 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 नहीं, हम देखिए। और इस गाय का दही है, दिखाइए एक बार कैमरे में। जब तक ये गाय रहेगी तब तक निकलेगा। अरे 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 अरे, अले 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 अले, बाबू बाबू। चलो चलो ठीक है, रखे वीडियो को। हाँ इजाजत लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सब कुछ पहना रखा है। वाह, चाट लो चाट लो चाट लो, कर रही है आपसे कुछ बात। चाट लो चाट लो चाट लो, जाना चाहती है अयोध्या, जाना चाहती हो हैं? इधर इधर आके बताओ, अयोध्या चलोगी हैं? हाँ हाँ हाँ, चुम्मा दे दो एक। हाँ वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार। सच में छोड़ने का तो मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है दिखाता ही रहूं। वाह वाह, बोल दो बोल दो, इतने प्रेम से तुमको लोग देखने आता है। धन्यवाद, जय हिंद मित्रों।